तहसीन पूनावाला, क्या ये सच है कि कांग्रेस की अपनी खींचतान के चक्कर में कुमार स्वामी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उनकी सरकार को खूंटे पे लटकाया जा रहा है? सबसे पहले रोहित भाई, आपके शो में शिरकत करने के लिए, आपने मुझे न्योता दिया आपके शो में शिरकत करें, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन संबित भाई की जो मैं बातें बड़ी गहराई से सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी, तो मैं सब आरोपों का जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बाइट चलाया आपके चैनल पर, कहते हैं कि कोई विस्तारा से जाएगा तो क्या आप टाटा साहब को बिल करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो बिल ही होगा ना अगर विस्तारा से गए। अगर ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन था तो संबित भाई की पार्टी बता दे कि, क्योंकि इनकम टैक्स और सिविल एविएशन सिर्फ केंद्र सरकार, केंद्र की हुकूमत के पास ही सब्जेक्ट है, बता दे इसका पैसा किसने दिया? दूध का दूध पानी का पानी वहां पर हो जाएगा। तो आप एक चीज कहते हो कि कमर्शियल प्लेन 15,000 की टिकट की तुलना आप 8 लाख 9 लाख के प्राइवेट चार्टर से करते हो, कहते हो तो उसका पैसा किसने दिया? उस 5 स्टार होटल में रुक रहे उसका बिलिंग कौन कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री या कौन भर रहे? बीजेपी के एमएलए क्यों जा रहे हैं उनसे मिलने? उसका भी जवाब दे दे। हम इन बात पे कहते, अब संबित भाई यहां पर कह रहे ये रो रहे थे, ये रुमाल निकाल रहे थे, गमछा निकाल रहे थे। संबित भाई शायद भूल गए येदुरप्पा जी और ईश्वरप्पा जी, येदुरप्पा जी और सदानंद गौड़ा जी, सदानंद गौड़ा जी और शोभा जी, सदानंद गौड़ा जी और लहर सिंह जी, कितने उनके बीच दंगल हो रही थी। येदुरप्पा जी जेल में गए तो मेट्रो का इनॉग्रेशन नहीं हुआ बैंगलोर में फर्स्ट फेज का, वो सारे नाराज हो गए। तो अपनी हुकूमत में क्या किए संबित पात्रा जी, भूल गए। बहरहाल चलिए हम उस पर नहीं जाते, हम आते इस पर। अगर पैमाना है लोकसभा चुनाव, तो फिर उसके बाद हुए सिविक चुनाव, लोकल बॉडी चुनाव, उसमें तो कांग्रेस ने स्वीप कर दी। अब क्या था, वो पब्लिक का ओपिनियन था या ईवीएम का जादू था साहब? तो हम आते हैं अंतिम कड़ी पर। अंतिम कड़ी इस सरकार को, इस हुकूमत को पब्लिक का मैंडेट मिला हुआ है। अगर ये मैंडेट आप इसे इलीगल कहते हैं, तो गोवा के मैंडेट को, अरुणाचल के मैंडेट को आप क्या कहते हैं? उत्तराखंड में आपको फटकार मिली, गोवा में आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं, मोहतरमा कहती है कि मैं अरुण जेटली साहब से एडवाइस ले रही थी क्या करने के लिए। तो साहब देखिए, आपने जिस हिसाब से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है और जिस हिसाब से आप हर जगह पर सरकार को टॉपल करना चाहते हो, कहीं ना कहीं पब्लिक देख रही है और इसलिए लोग कह रहे हैं कि चुनाव के लिए तैयार हो, क्योंकि जानते कि भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र क्या है। आप ये कह रहे हैं एक तरह से कि इन्होंने कांग्रेस से जो सीखा, ये कांग्रेस को उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं या वही हरकतें कर रहे हैं, बहुत खूब जिसका ये आरोप कांग्रेस पे लगा। खूब कहा रोहित साहब, शायद ये बात में सच्चाई होगी, लेकिन फिर मोदी जी हमें ये कहते वजीर आजम बनने के पहले कि जो कांग्रेस ने गलत किया मैं वही करने वाला था, फिर देखते उनको 280 और 303 सीट मिलती या नहीं मिलती। मोदी जी तो ये नहीं कहा, उन्होंने कहा तो मैं न्यू इंडिया बनाऊंगा, क्या न्यू इंडिया वही पुराना इंडिया होगा? उसका जवाब दे दे। ठीक, सभी जवाब दे रहे हैं। उसके बाद अब्दुल रजाक खान, आशुतोष जी और